आज बनाएंगे रागी का जो आटा है उसका डोसा। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे एक कटोरी मैंने रागी का आटा ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला और प्योर है, इसमें गेहूँ भी नहीं मिला है, प्योर रागी रागी का एकदम आटा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस तो हम इसको अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे पहले इसको पानी में, अच्छे से पूरा घोल लेंगे इसमें ताकि इसमें पूरे लम्स ना हो। थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट में रख लेंगे। प्योर इसमें मैंने और चीज़ जो भी होते हैं वो कुछ भी नहीं मिलाए, जैसे सूजी गेहूँ का आटा कुछ भी नहीं मिलाया, केवल सिर्फ प्योर रागी के आटे का बनाएंगे हम। तो थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, हल्का सा पतला करेंगे हम, मोटा हो गया है ये, थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे बस। तो थोड़ा पानी और मिला के हमने इसको कर लिया है पतला सा यहाँ पे इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा भी होता है, हेल्थी भी होता है। जाड़ू में काफ़ी ज़्यादा इसको खाया जाता है, ये है हमारी उत्तराखंड की फेमस डिश। करने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज स्वाद के लिए, थोड़ा सा डालेंगे प्याज और थोड़ा डालेंगे इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया, हरा धनिया। तो गाइस मैं भी आज पहली बार ही बनाऊंगी रागी का डोसा, तो स्वाद अनुसार हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक डालने के बाद हम पूरा बैटर को अच्छे से घोल लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे हम स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा टमाटर, और फिर दोबारा से इसको अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पे मैंने लोहे की तवे में बना लिया है, तो फाइनली बनेगा, बहुत अच्छा भी हो रहा है। प्याज टमाटर जो भी डाले ना मैंने इसमें पूरे हैं। आप भी बनाइए गाइस इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। मैंने केवल इस पर डाला है रागी का आटा और थोड़ा सा नमक और बाकी जो भी देख रहे हो धनिया प्याज, और उसके सिवा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और यहाँ पे चिपकेगा भी नहीं। हल्की आंच में मैंने इसे रख दिया है। काफ़ी ज़्यादा इन जाड़ों में ना बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। चलो इसको पलटा लेते हैं, अब तो पक ही गया होगा ये, फिलहाल लग रहा है कि पक गया करके, तो इसको पलटाते हैं। वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीका इसे बनाने का, बहुत ही अच्छी भी बन रही है। तो देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हेल्थी डिश बनाते रहें अपने बच्चों के लिए इन ठंडियों पर।